कुछ दिनों पहले यूएस के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश पर एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में अमेरिकी मीडिया ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट में रॉ के एक अधिकारी पर पन्नू की हत्या की कोशिश में शामिल होने की बात कही थी। इस कथित हत्या की प्लानिंग का आरोप तो अमेरिकी मीडिया ने लगा दिया, लेकिन भारत ने भी इसे झूठा और निराधार करार कर दिया था। अब इस पूरे मामले में रूस की भी एंट्री हो गई है। दरअसल रूस ने भारत का साथ दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि पन्नू की हत्या से जुड़ी साजिश का आरोप जो अमेरिका ने भारत पर लगाया है पूरी तरह से गलत है और एक देश के तौर पर भारत का अपमान भी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि भारत के खिलाफ लगातार झूठे आरोप, इतना ही नहीं बाकी देशों पर भी अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाया है। ये दिखाता है कि अमेरिका को भारतीय इतिहास के बारे में गलत फहमी है। ये एक देश के रूप में भारत का अनादर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आम चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों से अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और चुनावों को और मुश्किल बनाना चाहता है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के रूप में भारत के प्रति कम सम्मान दिखाया है, यानी अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अंदेशा रूसी विदेश मंत्रालय के बयान से सामने आया। अब गुरपतवंत सिंह की हत्या की साजिश का पूरा मामला क्या है वो भी जरा आपको समझा देते हैं। दरअसल पिछले ही साल अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक्सीडेंट हुआ था और तब अमेरिका ने बीते साल के आखिर में ये दावा किया था कि उसने अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये अमेरिकी नागरिक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू था। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों पर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था और इस मामले में अमेरिका में निखिल गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ये कहा गया था कि इसके साथ एक भारतीय कर्मचारी ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया है। हालांकि तब भी भारत ने इन आरोपों को निराधार कहा था, लेकिन इस मामले को भारत के समक्ष भी उठाया गया। भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तब कहा था, भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि ये हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दों की पहले से ही संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। अमेरिकी आरोपों के सामने आने के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की थी। खैर, गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है वो भी जरा आपको बता देते हैं। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी आतंकी घोषित कर रखा है। इसके खिलाफ भारत में 3 राजद्रोह के मामलों के साथ 22 आपराधिक केस दर्ज हैं और पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ग्रुप भी चलाता है जिसे गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित ग्रुप की लिस्ट में भी डाला है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे रूस ने पन्नू के केस में भारत का साथ दिया है और अमेरिका के सभी आरोपों को गलत ठहराया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TVNet Digital पर।